अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके DLED BTC 4 सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों DLED 2017 बैच स्पेशल, जी हाँ दोस्तों, तो ये आपकी पार्ट 2 की वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद दोस्तों आपको पार्ट 3 भी कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, बस 3 वीडियो और आपका पेपर क्लियर। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर न, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं DLED चतुर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अति लघुतरी प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका क्या रहा कि संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नियोजन। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या रहा है कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कि विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना। ठीक है, इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना ही आपका विद्यालय प्रबंधन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व आपका प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन की दो विशेषताओं का मैं उल्लेख करना है। तो दोस्तों इसकी दो विशेषताएं निम्नवत है। पहला, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, सरल शब्दों में प्रबंधन का मैं अर्थ बताना है। तो सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ होता है संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना। ठीक है, संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। तो दोस्तों जैसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, मैनेज मैन टैक्टफुली को हम दोस्तों बोलते हैं मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रबंधन कर रहे हैं तो अगर आप व्यक्ति तो काम ही नहीं ले पाएंगे तो फायदा क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुशल प्रबंधन के महत्व को कौन स्वीकारते हैं, उसका आंसर करना है। तो कुशल प्रबंध के नेतृत्व को डॉक्टर, वकील, शिक्षक, किसान, उद्योगपति तथा व्यापारी आदि सभी स्वीकारते हैं। प्रबंधन नियोजन अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक होता है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, प्रबंधन के द्वारा नियोजन अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। प्रबंधनकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा कि विद्यालय भवन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन होने चाहिए। तो विद्यालय भवन के अंतर्गत विद्यालय निर्माणशाला, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, फर्नीचर, उपकरण आदि सभी सम्मिलित होते हैं और यह सभी विद्यालय के कार्यों के सुसंचालन में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विद्यालय में पुस्तकालय क्यों आवश्यक होता है ये बताना है। तो पुस्तकालय व वाचनालय विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः विद्यालय में पुस्तकालय का होना जरूरी है। पुस्तकालय में अच्छे स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए, जहां तक संभव हो पुस्तकालय की खुली व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए। तो अब बात आती है छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला, भोजन समिति, जिसको बोलते हैं दोस्तों मेस कमेटी। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, अगर आप लोग कभी कॉलेज में पढ़ाई की हो तो इससे तो आप लोग जरूर वाकिफ होंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरी बारी आती है आपकी सफाई समिति। तीसरी है दोस्तों आपके अनुशासन समिति। चौथी है आपकी खेल समिति। पांचवी है सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति। ठीक है, इतना याद रखिए। देखिए बात इंग्लिश और हिंदी में, तो आप लोग हिंदी को ज्यादा प्रेफर करिए। अगर आप लोग DLED BTC कर रहे हो तो आप लोग वहां पर इंग्लिश कम से कम लिखने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं आपके कॉपी चेक करने वाले, तो ध्यान रखिए। ठीक है, शो ऑफ करने का कोई मतलब वहां नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक होता है ये बताना है। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है, इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कि मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य है। तो मानवीय संसाधनों के प्रबंध का तात्पर्य उचित एवं
योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रबंधन किसे कहते हैं, ये बताना आपको। तो किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में बताना है। तो दोस्तों पहला हो जाएगा आपका शिक्षा के विकास का लक्ष्य, दूसरा नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, और चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है, ये बताना है आपको। तो प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रबंध समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं। तो दोस्तों पहली होती है आपकी शिक्षक परिषद, दूसरी है छात्र परिषद, तीसरी है दोस्तों आपकी शिक्षक समितियां, चौथी है विशिष्ट समितियां एवं सामाजिक सेवा समितियां। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई चार कार्य दोस्तों में बताना है। तो पहला हो जाएगा शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, दूसरा है पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, तीसरा है दोस्तों विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, चौथा है विद्यालय का बजट बनाना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय की गतिविधि में अध्यापक के स्थान के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा, यह बताना है। तो विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उसी धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है उसको देखते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट कब बना दोस्तों, ये बताना। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट वर्ष 1993 में बना था। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार लिखना है। तो दोस्तों मुदालियर आयोग के अनुसार क्या है, हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें काम कर रहे हैं अध्यापकों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुदाय का मैं अर्थ बताना है। तो समुदाय का अर्थ होता है दोस्तों समुदाय, जिसे अंग्रेजी में हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी तो दो शब्दों से ये मिलकर बना होता है, COM कम मिनिस। ठीक है दोस्तों, पहला मतलब होता है एक साथ या टूगेदर, दूसरा होता है सेवा करना, टू सर्व। तो इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है कि एक सेवा करना, टू सर्व टूगेदर। बोगार्ट्स के ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है, वह एक क्षेत्र विशेष पे रहता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन, ठीक है, का संस्थान किस शहर में है। तो दोस्तों इसका अंतर होगा आपका दिल्ली में। स्कूल व समुदाय के संबंध में जॉन डीवी ने क्या कहा है। तो दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे के लिए जो चाहते हैं, समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है। स्कूलों के लिए अन्य कोई आदर्श संकीर्ण तथा असुंदर होगा और उसे कार्यान्वित करना अपने लोकतंत्र को नष्ट करना होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ग्राम शिक्षा समिति के कार्य में लिखना है। तो इसके कार्य दोस्तों निम्नलिखित है, पहला आपका विद्यालय के सामानों में सुधार के सुझाव देना, दूसरा शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समाचार अर्थात जानकारी देना, तीसरा दोस्तों बेसिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा विभिन्न विद्यालय की मरम्मत के सुझाव देना। अगला प्रश्न हमारा, मात्र शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई। तो शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका 20। बजट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों आपका बजट का संबंध कार्मिक क्षेत्र से होता है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुर्जेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े की थैली से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी हमें लिखना है।
तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है। तो जो दोस्तों आपका विद्यालय होते हैं, विद्यालय को समुदाय से के सदस्यों, धनी मानी तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय के कमरे का निर्माण करा देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय होता है, ये बताना है। तो दोस्तों वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से अभिप्राय है कि कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था होनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है, ये बताना है। तो एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए कितनी रकम दी जाती है दोस्तों। तो 500 रुपए मात्र, ठीक है, कितना दिया जाता है, 500 रुपए मात्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा छात्रावास का वार्डन कैसा होना चाहिए। तो एक अच्छा छात्रावास वार्डन दृढ़ चरित्र एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार वाला होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग बीटेक किए होंगे या कहीं और गए होंगे तो आपको दोस्तों वार्डन से बहुत टेंशन रहती होगी कि भाई रात में देर से आओगे तो घुसने में दिक्कत, तो काफी दिक्कतें होती हैं दोस्तों वार्डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय हमें बताना है। तो पहला उपाय दोस्तों हो जाएगा पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, बुक बैंक की व्यवस्था की जाए, स्थापना की जाए, पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड प्रवेश दिया जाना चाहिए, विद्यालय समय सारिणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है, खेल का क्या महत्व है इसको बताना है। तो छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, एनपीआरसी का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों एनपीआरसी का प्रमुख संकुल प्रभारी होता है। अगला प्रश्न है शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में अन्य कौन कौन से साधन आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों बालक के विकास के लिए अन्य साधन जैसे पीने के लिए शुद्ध पानी, बैठने का उचित स्थान, हवादार कमरे, पेड़ पौधे एवं विद्यालय का फर्नीचर आदि विशेष रूप से आवश्यक है। अगला प्रश्न समय तालिका का एक साधन है या साध्य बताना है। देखिए समय तालिका को स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए, यह साध्य नहीं है। जहां भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की वही यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है यह किसने कहा है। तो दोस्तों यह आपका डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है समय सारिणी क्या होती है। तो अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारिणी कही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो बिजली की आवाज आती है ना जो गिरती है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, डरिएगा मत। अगला क्वेश्चन राज के अनुसार पाठ्य सामग्री क्रियाएं क्या है। तो दोस्तों राज के अनुसार चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता को हमें बताना है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार दोस्तों ठीक है क्या है, स्वच्छ आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की संवद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यालयों ठीक है विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसमें मनोरंजन कार्यों, हॉबीज, क्रियाओं ठीक है ऑक्यूपेशन तथा योजनाओं प्रोजेक्ट की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करे और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करना चाहिए या करे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है कि स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा है। तो विवेकानंद जी के अनुसार क्या है दोस्तों, आज भारत को
भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता हो चुकी है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है। शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं? तो दोस्तों पहला आपका श्याम पाठ, फिर चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री। अगला क्वेश्चन, पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है हमारा? तो विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन दोस्तों आप जो पेयजल की बात की गई तो यहाँ तो शौचालय से थोड़ा दूर भी रहेगा तो बेटर रहेगा ना आपका पेयजल। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय संसाधन के हमें अंग बताना है। तो मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र एवं समुदाय आदि आते हैं। याद रखना है दोस्तों मानवीय संसाधन के अंग, पहला प्रधानाध्यापक, फिर शिक्षक टीचर जो होते हैं, फिर छात्र और समुदाय। अगला क्वेश्चन, मानवीय संसाधन के प्रबंध की कोई दो विशेषताएं हमें लिखना है। तो मानवीय संसाधनों का प्रबंध एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। एक सफल शिक्षक के कोई दो गुणों का उल्लेख हमें करना है। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं एवं योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समितियों में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों लगभग 15%। ठीक है, कितना? लगभग 15%। वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ होता है? तो दोस्तों मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रभाव, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातें के प्रति प्रशंसनात्मक, ठीक है, दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से दोस्तों? तो राष्ट्रीय पर्वों में प्रमुख है आपका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताइए। तो दोस्तों पहला हो जाएगा स्थान में, दोस्तों कैसे समझाना, जैसे सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, कार्यालय, ठीक है, कार्यालय विद्यालय की नाड़ी संस्थान है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन आपका डॉक्टर SN मुखर्जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉग बुक क्या होती है ये बताना है। तो देखिए इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों को ग्रांट कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत तथा सरकार। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, स्कूल कैलेंडर में क्या क्या होता है? तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर दी जाती हैं। तो धाराओं के दोस्तों में प्रकार बताने, तो दोस्तों धाराएं तापमान के अनुसार आपके धाराएं दो प्रकार की होती हैं, पहली तो गर्म धाराएं, दूसरी ठंडी धाराएं। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटों में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है और फिर वापस लौट जाता है। इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को हम ज्वार तथा नीचे उतरने को हम भाटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ध्यान आपको रखना है, फिर से देखते हैं लास्ट लाइन की, महासागरीय जल के ऊपर उठने को हम ज्वार बोलते हैं तथा नीचे उतरने को हम भाटा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि ज्वार भाटा से लाभ क्या होता है आखिर में? इसके दोस्तों निम्नलिखित लाभ है। पहला, ज्वार के समय उथले बंदरगाह की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं। इस प्रकार माल ढोने वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा दोस्तों, ज्वारी शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है।
तीसरा दोस्तों, ज्वार के आने के कारण समुद्र तट पर अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे सीप, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती हैं। चौथा दोस्तों क्या है, ज्वार भाटा के आने से नदियों के मुहाने की गंदगी साफ हो जाती है तथा नौकायान में भी सहायता मिलती है। तो दोस्तों काफी फायदे हैं, आपने देख लिया। अगला प्रश्न हमारा कि प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर हमें बताना है। तो दोस्तों चलिए इसमें अंतर देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं की पूर्ति एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव है, जैसे दोस्तों भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी। ये सब दोस्तों कोई नहीं बता सकता कि कब और कहां पर होगा। अगला है दोस्तों कि मानवकृत आपदाएं जैसे कुप्रबंध तथा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है, जैसे दोस्तों आग लगाना, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियां। किसी न किसी को तो दोस्तों ये पता होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सबको पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे ना उनके जो मालिक जो ये करा रहे हैं, उनको तो ये बात बहुत ही अच्छे से पता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समय स्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। बाढ़ आने के कारण का उल्लेख हमें करना है। तो बाढ़ दोस्तों क्यों आती है, देखिए पहला कि भारी वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा बाढ़ के कारण है। अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से चक्रवातों से भयानक बाढ़ आ जाती है। अब एक अच्छा क्वेश्चन कि बादल का फटना किसे कहते हैं, काफी बच्चों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों ये अधिकतर होता रहता है और आपने देखा होगा केदारनाथ में काफी बार हुआ है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा कि बादल फटने के दौरान तेजी से आंधी आती है और बिजली कड़कती है। इस दौरान हवा में मौजूद आयन के रूप में विद्युतीय आवेश बादल में मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देता है। इस विद्युतीय आवेश के अचानक बंद हो जाने से पानी एक बारगी एक छोटे दायरे में तेजी से बौछारे के रूप में गिरता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती है, जिसे बादल का फटना ऐसा बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्यों होता है, बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था आपका कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि ने देश को जनसंख्या विस्फोट के नजदीक पहुंचा दिया है, जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अब पर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे, तो यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। तो दोस्तों इस समय देखिए अपने भारत देश की भी जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। अगला क्वेश्चन फिर हमारा कि शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कार्य अनुभव में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो दोस्तों इसमें होता है हमारा इसके अंतर्गत कृषि, बागवानी, कताई बुनाई, सिलाई, हस्तकला इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर से की अपेक्षा रखता है, मतलब। तो दोस्तों ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व क्या क्या है, इसको बताना है। तो दोस्तों मुख्य अध्यापक के कार्यों को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों पहला योजना, दूसरा परिनिरीक्षण, तीसरा शिक्षण, चौथा पथ प्रदर्शन, पांचवा पाठ पुस्तकों का चयन, सिक्स नंबर है दोस्तों पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सातवां संपर्क कर्तव्य और आठवां हमारा मूल्यांकन। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा कि प्रधानाध्यापक को पथ प्रदर्शन किस प्रकार करना चाहिए, ये बताना है। देखिए मुख्य अध्यापक से हम यह भी अपेक्षा रखते हैं कि वह शिक्षकों व विद्यार्थियों के समक्ष उठने वाली समस्याओं का निदान या तो स्वयं करे या उन लोगों को इसके लिए सक्षम बनाए। ठीक है, वह यह सक्षमता तभी प्रदान कर सकता है जब उसमें निर्देशन व परामर्श देने की क्षमता हो। मुख्य अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्देशन व परामर्श के
उद्देश्यों व नवीन विधियों का ज्ञान रख सके, उसकी अभिव्यक्ति ठीक है निर्देशन प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए, जिससे वह छात्रों व अध्यापकों को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सके। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रोजेक्टर क्या है। तो देखिए इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे अगर आप कोई चीज फोन में देखते हैं अपने ठीक है या लैपटॉप में छोटा दिखता है, अगर आप प्रोजेक्टर से बड़ा कर देंगे तो जितना बड़ा आपका स्क्रीन होगा उतना बड़ा आपका व्यू आने वाला है ठीक है। विद्यालय में जनसंपर्क किसे कराना चाहिए करना चाहिए मतलब, तो दोस्तों मुख्य अध्यापक जो विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है ठीक है। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है, उसे छात्रों शिक्षकों अभिभावकों व समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन आपका एच जी वेल्स के अनुसार शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षक क्या होता है। तो दोस्तों प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है, अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्यंभावी है, अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के अधिकांशतः दोषों को दूर किया जा सकता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जॉन न्यूटन ने शिक्षक के विषय में क्या कहा है। तो दोस्तों जॉन न्यूटन के अनुसार एक डॉक्टर कुछ मरीजों को मार देता है और फिर भी मरीज को देखना जारी रखता है, एक आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित भवन यदि गिर जाता है तो वह अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, बहुत से असक्षम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते, परंतु यदि एक शिक्षक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन से तब तक खिलवाड़ करता रहता है जब तक कि वह अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता। जी हाँ दोस्तों कि मतलब अगर कोई टीचर है अगर वो भाई कुछ आता जाता नहीं है तो सभी सही बात है कि बच्चों का भविष्य वो खराब करते जाएगा जब तक कि वो छुट्टी नहीं ले लेगा, मतलब जब तक उसकी नौकरी रहेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों मीना मंच क्या होता है। तो सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण को परिभाषित हमें करना है। तो दोस्तों इसको चलिए परिभाषित करते हैं। पहला है एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है ठीक है। अब पर्यवेक्षण का हमें दोस्तों अर्थ बताना है। तो इसका दोस्तों हमारा अर्थ होता है पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि या सुपर प्लस विजन जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षकों का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। तो विद्यालयों को अनुदान केंद्रीय तथा राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन हमें करना है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर होता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है। देखिए इसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन की उपस्थिति छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मेनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण होता है। तो दोस्तों ये सब काम आप टीचर लोग करेंगे। तो देखिए होता है क्या ना, जो लोग बोलते हैं कि प्राथमिक स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं है, अब अगर आपके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं तो अगर आपके स्कूल में 5-6 टीचर हैं तो दोस्तों आप लोग कैसे मैनेज करेंगे। 300 बच्चों का रोज आप नाम लिखेंगे, इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आप जो देख रहे हैं अपन ना, सबको आपको हाथ धुलाना पड़ेगा जा जाकर, फिर काफी दिक्कतें होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित होती है उसे हम कहते हैं कन्वर्जन कास्ट। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है इसको देखते हैं।
अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका होती है? देखिए, अभिभावक द्वारा अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिसमें बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इस परिषद की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन 1961 में की गई। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा आपके लिए, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? तो दोस्तों सन 2004 में। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय देना दोस्तों, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के में कार्य बताना है। तो दोस्तों, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन ETV एवं शैक्षिक रेडियो ER के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए, ठीक है, प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि नीपा के उद्देश्य हमें लिखना है। नीपा क्या चीज होता है, नीपा देखते हैं। तो राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थानों को परामर्श देना, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार करना और उनका प्रकाशन करना। ठीक है, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था भी करना। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका आंसर है सन 1972 में। उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है SCERT। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के SCERT की स्थापना लखनऊ में सन 1981 में हुई। याद रखना दोस्तों कहां पर हुई थी, लखनऊ में 1981। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए कि राज्य शिक्षा संस्थान के तीन कार्यों की विवेचना करना हमें। तो दोस्तों पहला कार्य है कि शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य, तीसरा दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इलाहाबाद में। फिर दोस्तों बात करेंगे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के दो प्रमुख कार्य बताना है। तो दोस्तों इसके दो प्रमुख कार्य हैं, पहला है प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन व परामर्श देना, दूसरा दोस्तों विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य करना कराना। ठीक है, राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राज्य हिंदी संस्थान, ठीक है, NCERT एक अनुसंगिक संस्थान है जो वाराणसी बनारस में स्थित है। ठीक है ना, क्या नाम था दोस्तों इसका, SCERT, राज्य हिंदी संस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका कार्यालय हमारा लखनऊ में है। राज्य हिंदी संस्थान के दो कार्य बताना है। तो पहला कार्य दोस्तों हिंदी व संस्कृत भाषा शोध, भाषा हेतु शोध कार्य अनुसंधान का कार्य करना, दूसरा प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, अनुश्रवण व समीक्षा का कार्य करना। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला का परिचय देना है। तो दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समी की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में सन 1947 में की गई, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान शाला की स्थापना के तीन उद्देश्य हमें बताने। तो दोस्तों इसके चलिए तीन उद्देश्य कौन कौन से देखते हैं। विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देना, शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना, तीसरा दोस्तों शिक्षकों उपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना। फिर दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य हमें बताने हैं। तो दोस्तों इसके चलिए निम्नलिखित कार्य हैं, पहला विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, दूसरा विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है,
तीसरा है दोस्तों बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन, चौथा है प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। एनपीआरसी का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है, एनपीआरसी। फिर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1992 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली थी? तो दोस्तों भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त 1972 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अगस्त 1972 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सीटीई के कोई दो उद्देश्य में बताना है। पहला दोस्तों उद्देश्य है माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा है दोस्तों नवाचार संबंधी प्रशिक्षण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। अब दोस्तों देखिए ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं, अब उन क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन दोस्तों प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो दोस्तों पहला आता है मुख्य अध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि। फिर दोस्तों बात करेंगे मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हमें बताना है, तो शिक्षक, बालक और समुदाय। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं ये बताना है। सीखने का कोना अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है, ठीक है दोस्तों। फिर कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताना है, तो दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। कक्षा 2 में ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, आ चुका है। तो दोस्तों पहला होगा गिनतारा, कर्लो और रेनबो, ठीक है। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ पुस्तकों की संख्या तथा नाम, ये हो जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद आपका पाठ पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से हम ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारिणी बनाई जाती है? तो दोस्तों एक तो होता है पहले कक्षा अनुसार, फिर अध्यापक अनुसार। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। देखिए बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मक का विकास करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपका शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताना है। भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभव से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है ये बताना है। तो पहला शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक और राष्ट्रीयता आदि। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के दोस्तों में नाम लिखना है। तो अध्यापकों की उपस्थिति, ठीक है, रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर। फिर दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे आपके वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं। तो पहला दोस्तों आपका हो जाएगा कैश बुक, फिर शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील आदि। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर होता है? देखिए दोस्तों बीआरसी ब्लॉक स्तर पर होता है और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों बीआरसी और एनपीआरसी, ठीक है, बीआरसी आपका ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है। काफी बार आप ये सुनेंगे जब आप टीचर बनने के योग्य होंगे आगे चलकर, तो ध्यान में रखना। और एनपीआरसी आपका न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सार्वभौमिकरण का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो सार्वभौमिकरण से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा हमारा लखनऊ। फिर दोस्तों बात करेंगे, देखिए अब आपके क्वेश्चन 2017 से शुरू हो रहे हैं जो आपके 2017 में पूछे जा चुके हैं। पहला ये आता है कि प्रबंधन से आपका क्या अर्थ है? देखिए किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रबंधन। इसी का दूसरा क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का हमें उल्लेख करना है। तो देखिए बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है, श्यामपट्ट,
चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। फिर दोस्तों बात करेंगे मानवीय प्रबंधन के कोई प्रमुख घटक बताने हैं, तो दोस्तों विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों आपका प्रधानाध्यापक, फिर अध्यापक, फिर छात्र, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ आदि। फिर दोस्तों उसके बाद हमारी बात होगी कि प्रभावी शिक्षक के कोई गुण बताने हैं। देखिए एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं, एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो सके। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता अनुसार तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना, छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए तथा उसके समक्ष विद्यालय की प्रगति एवं योजनाओं को संतुलित रूप से रखना चाहिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है, या कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। पहला कार्य है कि विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, दूसरा कि बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, तीसरा दोस्तों आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, चौथा है पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश के नक्शे, ग्लोब, घड़ी, दीवार, ठीक है, दीवार घड़ी होगी दोस्तों आदि खरीदने हेतु। तो यहाँ दोस्तों इसका यूज किया जाता है कि अध्यापक अनुदान धनराशि। उसके बाद दोस्तों विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु, और दोस्तों लास्ट में प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु। अगला क्वेश्चन दोस्तों पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आते हैं। तो ये सब प्रश्नों को आप लोग बनाकर जितना अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे ना वो ज्यादा बेटर होगा। तो पाठ्य पुस्तकों की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए दोस्तों। पहला कि चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करने के अवसर हो, पाठ्य पुस्तकों से सभी बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सकता है, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक होने चाहिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए उसे हम दोस्तों समेकित शिक्षा कहा जाता है। फिर दोस्तों डायट मेंटर कौन होते हैं। कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। देखिए विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। दूसरा दोस्तों स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हैं हेतु आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। तीसरा दोस्तों डायट मेंटर की बात हो रही है, खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। चौथा आपका विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। पांचवा दोस्तों समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका कक्षा मतलब बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके कि एनपीआरसी की तीन प्रमुख कार्य में दोस्तों बताना है एनपीआरसी का क्या कार्य होता है। देखिए एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र है, ठीक है, क्या है, न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र है। अब चलिए देखते हैं इसके भाई कार्य क्या क्या होते हैं। पहला दोस्तों आपका कार्य है इसका कि न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का माह में एक से दो बार पर्यवेक्षण करके प्रबंध संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। दूसरा दोस्तों न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन
हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। तीसरा दोस्तों पॉइंट है आपका कि न्याय पंचायत समन्वय विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्च अधिकारी को देते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना। तीसरा दोस्तों प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। चौथा खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना। पांचवा कक्षा बार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। सिक्स नंबर दोस्तों खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। सातवां स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके कि लोच का सिद्धांत क्या है। देखिए प्रबंधन साधन है न कि साध्य, ठीक है दोस्तों। क्या होता है प्रबंधन दोस्तों? आपका एक साधन है न कि साध्य है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम अध्ययन विधि परीक्षा समय सारिणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष में इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, अब देखिए अब आपके 2018 के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जो लास्ट टाइम पेपर में आ चुके हैं, उसको देखते हैं। साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? जी हाँ दोस्तों, साला कैलेंडर यह विद्यालय सत्र के आरंभ होने से पूर्व तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश मासिक सत्रीय अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, ठीक है, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं हमें बतानी है। वाचनालय का स्थान शांत सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के चार उद्देश्य में लिखना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अब बात होगी कि प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख हमें करना है, तो चलिए इसके प्रमुख घटक देख लेते हैं। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। फिर दोस्तों बात होगी शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ बताइए। देखिए शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। दूसरा दोस्तों प्रत्येक पाठ को अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया गया है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखना है। देखिए इनकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे सफल नेतृत्वकर्ता के प्रमुख दो गुण लिखिए। तो दोस्तों नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कि कार्यकर्ताओं के साथ एक रूपता की भावना होनी चाहिए। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता स्थापित करें। दूसरा है कि दोस्तों समूह के सदस्यों की संतुष्टि। जी हाँ दोस्तों, नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही उसका सफल नेतृत्व होगा। ठीक है दोस्तों, यार अगर अपने साथ के लोग को वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो फिर क्या फायदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों आपका कि विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों बताना है। पहला दोस्तों होगा कि विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा दोस्तों खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा दोस्तों आपका कि विद्यालय भवन के उद्यान में, ठीक है, सामूहिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए। फिर दोस्तों बात करेंगे चौथा पॉइंट है कि दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी की हो। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा कि मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रार्थना स्तर पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली
दो क्रियाओं का उल्लेख हमें करना है। तो दोस्तों कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्रिया है बच्चों की सफाई, साफ सफाई की जांच तथा स्वच्छ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा दोस्तों पॉइंट है कि किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपका कि उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन। अब दोस्तों बात करेंगे कि किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का हमें उल्लेख करना है। तो शैक्षिक उपकरण कौन कौन थे दोस्तों, पहला श्याम पट, दूसरा आपका चार्ट, तीसरा मॉडल, चौथा मानचित्र, पांचवा रेखा चित्र तथा आकृतियां और सिक्स नंबर है ग्राफ। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है और बालकों में कि इनमें रुचि भी बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों बात होगी श्याम पट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिख कर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं हो सकती। फिर दोस्तों बात होगी हमारी दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकता है। फिर दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है ये बताना है। विज्ञान वह तथ्य है जिसकी प्रामाणिकता प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जाती है, अतः इस वाक्य में मौखिक रूप से या पुस्तकों द्वारा पढ़कर अच्छे ढंग से ही नहीं समझाया जा सकता है, इसके लिए छात्रों को निरीक्षण और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। छात्र सैद्धांतिक रूप से लिखी सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करता है, इसमें बौद्धिक विकास होता है और तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति भी आपकी बढ़ती है। तो दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन ये रहे। तो दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर आपको पहले से पता रहा हो। तो दोस्तों अगर आप लोग को अभी इस क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद भी काफी क्वेश्चन में डाउट लग रहे हो तो वीडियो को दोस्तों कम से कम 2 से 5 बार आप लोग कंटिन्यूस देखिए लगातार, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। अब वीडियो को आपको थोड़ी फास्ट मोड में देखना है कि दोस्तों जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आप होता क्या ना एक बार आपने रिवीजन कर लिया है 2-3 बार दोस्तों और पढ़ लेंगे तो पेपर के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने के बाद अगर अभी तक आपने हमारी पार्ट 1 ना देखी इस वीडियो सीरीज की तो पार्ट 1 देखिए और दोस्तों पार्ट 3 जब दोस्तों आप ये तीनों पार्ट देख लेंगे उसके बाद आप पेपर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफी क्वेश्चन देखें, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, पेपर में जब आप पेपर लिखें तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बना बना कर लिखेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखिए जैसे था कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर लिखा आप इसको रट्टा मार के जाएं, बस ये सब बना कर लिखना है। खाली ये दोस्तों होता है कुछ चीजें होती है ना जो टू द पॉइंट लिखी जाती है और बाकी चीजें खाली आप जितना अच्छा लिख सके उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है दोस्तों, और सभी बच्चों को अभी से पेपर के लिए ऑल द बेस्ट और पेपर में अच्छा करिएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए ताकि आपका सपोर्ट भी हमें मिलता रहे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।